आज मैं आपके सामने बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर और सामान्य भाषा ल्यूकेमिया कहते हैं, उसके बारे में बातें करने आया हूँ। ल्यूकेमिया होता क्या है? ल्यूकेमिया बच्चों के जो बोन मैरो होते हैं, जो कि ब्लड की फैक्ट्री होती है, वहाँ से उत्पन्न होता है और उसमें कुछ प्री मैच्योर सेल, एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं जो कि शरीर के दूसरी भागों में फैलते हैं, और ये प्री मैच्योर सेल्स बच्चों में ल्यूकेमिया कराते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? सबसे कॉमन है कि बच्चे में बार बार बुखार आना, इन्फेक्शन होना, या एक बुखार जो कि इलाज के बाद भी बिल्कुल ना जाता हो, बार बार रिकर करता हो। बच्चों में खून की कमी होना, जैसे बच्चे पेल दिखते हैं, या बच्चों में जगह जगह पर रक्त स्राव होना, स्किन में नीले लाल धब्बे आना, मसूड़ों से खून आना, या शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनका बढ़ जाना, ये सबसे कॉमन लक्षण है। इसके अलावा बोन में पेन होना, या फिर बच्चों को अचानक चलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाना, जब बच्चे खड़े होना बंद कर देते हैं, ये उसके कॉमन लक्षण होते हैं। इसमें हम करते क्या हैं? ऐसा लक्षण आपको कभी भी दिखता हो तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और वो एज रिक्वायर्ड बच्चों को एक पीडियाट्रिक कैंसर के विशेषज्ञ पास रेफर कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना होता है कि रक्त की जाँच करनी होती है, और उसमें शक होने पर हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, और बोन मैरो एग्जामिनेशन में कुछ और टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम इसकी जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके इलाज के ऑप्शंस में, इसका इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी सबसे कॉमन तरीका है जो बच्चों में की जाती है। यदि बच्चे को कीमोथेरेपी दी जाती है तो मैक्सिमम केसेस में अराउंड 70-80% केसेस बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कीमोथेरेपी काम ना करे या फिर ये बीमारी वापस आ जाए। ऐसे केसेस में हम बच्चों में ट्रांसप्लांट देते हैं, या फिर अभी इम्यूनोथेरेपीज आती हैं वो देते हैं। सबसे मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे बच्चों को कभी भी इलाज से महरूम ना करें, क्योंकि ऐसे बीमारी, इस बीमारी का इलाज बहुत ही हद तक पॉसिबल है, और आज के समय में विद आधुनिक तकनीक जो होती है उसके द्वारा या दवाइयों के द्वारा 80-90% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसलिए कभी मायूस ना हो, और यदि ऐसी बीमारी आपको लगती है, शक होता है, तो एक इसके विशेषज्ञ के पास लेकर जाएं।